तो जी मिंटो सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हॉलीवुड। स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। अगर सब कुछ क्लियर है, सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा है, इफ एवरीथिंग इज ओके देन प्लीज लेट मी नो एंड वी विल स्टार्ट द सेशन। एवरीथिंग ओके, शैल वी स्टार्ट इट? ओके जस्ट अ सेकेंड। हाँ बेटर। नाउ शुरू करते हैं सेशन को। एक एक बार सेशन को जरा शेयर कर दो, ठीक है, जिससे बाकी लोग भी हमें ज्वाइन कर सके। ओके एंड जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं हर जगह शेयर कर देना। एंड जस्ट लेट मी नो इफ एवरीथिंग इज ओके, क्लियर, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सब कुछ सही है, तो एक एक बार प्लीज मुझे थम्स अप देके बता दो कि हाँ सब कुछ सही है। एंड या वन मोर थिंग, इफ यू पीपल आर प्लानिंग टू बाई सम काइंड ऑफ कोर्स, ठीक है, अगर आप लोग कोर्स बाय करना चाहते हो एंड यू वॉन्ट टू प्रिपेयर योर जीए, ठीक है, ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, आपको लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट सा है एंड यू वॉन्ट सॉलिड कंटेंट टाइप, है ना, तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई एच कोर्सेज। एच कोर्स पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं, देखो बेसिकली अभी मैं अगर आपसे बात करती हूँ तो यहाँ पे हम लोगों की काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी हो रही हैं। जैसे कि पहले तो आपका एक बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास है जो आज ही खत्म हुई है, बट इफ़ यू आर एनरोलिंग तो आप उसे देख सकते हो इजीली, नॉट एन इशू। उसके अलावा आप लोगों की एक डिटेल्ड करंट अफेयर्स है और एक आपकी एमसीक्यूज है, ठीक है, तो ये आपके अभी फिलहाल में सेशंस हैं जो आपको अवेलेबल मिलेंगी, यू पीपल आर फ्री टू परचेज, ठीक है। अब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रोम पे लिखना होगा ऑलिव बोर्ड, उसके बाद आपको ऐसे मिलेगा एज लाइव क्लास पर आ जाना, देन यू कैन गो बाय सब्जेक्ट बाय फैकल्टी, अपनी नीट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, बाय फैकल्टी में भी आप देख सकते हो और बाय सब्जेक्ट में भी देख सकते हो। देखो अब बाय सब्जेक्ट की मैं आपसे बात करती हूँ तो यहाँ देखो काफ़ी नीचे आकर के आपको मिल जाएगा जीए, ठीक है। जब भी आपको जीए मिलता है सब्जेक्ट में तो आपको क्या करना होगा, आपको बेसिकली जाकर देखना होगा कि कौन कौन से कोर्सेज रनिंग है और आपको इसमें से कौन सा कोर्स चाहिए, ठीक है। अब मैं खोज रही हूँ तो मुझे खुद ही जीए नहीं मिल रहा है आज, बताओ। हाँ मिल गया जी, थैंक गॉड। ओके सो यू कैन सी ऑल दीज काइंड ऑफ कोर्सेज, सो दिस इज बैंकिंग ब्लास्टर, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक ही आपकी कोर्स अभी रनिंग है और इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे इसमें ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं, अभी और भी क्लासेस हैं आपकी अपकमिंग। इफ यू वॉन्ट टू सी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन तो आप वो भी कर सकते हो बाई एग्जाम, इसमें आप देख सकते हो अभी पी एस पी ओ के लिए, क्लॉक के लिए काफ़ी सारी अपकमिंग बैचेज हैं जो ऑलरेडी लाइंड अप है, ठीक है। सो अगर आप लोग चाहते हो थोड़ा सा और ज़्यादा इसे स्ट्रॉन्ग करना और अपनी प्रिपरेशन और अच्छी करना, सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन सिंपली ज्वाइन अस ऑन दैट बैच। लेकिन अगर आपको ज्वाइन करना है और बैच में रहना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, सो यू शुड यूज दिस कोड सुष्मिता SUSHMITA, इससे आपको एडिशनल 5% ऑफ मिलता है, लाइक ऑलरेडी देयर इज 40-45% ऑफ एंड यूजिंग दिस कोड विल गिव यू एन एडिशनल 5% ऑफ, तो इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। अच्छा वन मोर थिंग जस्ट रिमेंबर, हाँ IBPS में जनरली यही होता है 6-8 months का CA आता है, दैट इज लाइक ये है कि हाँ इतना ही आता है, बहुत टफ तो नहीं होता है, डूएबल होता है वो पेपर, किया जा सकता है, बट हाँ अपनी प्रिपरेशन हमें अच्छी रखनी होती है, ऐसा नहीं कि हम लोग बस कुछ भी रिलाई करते चले, ठीक है। सो जो भी आपका कंटेंट होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए एंड जो आप लोगों को ये पेड क्लासेस में मिल रहा है वो एक्चुअली बड़ा सॉलिड कंटेंट है आजकल का। ओके सो ओके सो यू कैन ज्वाइन अस, रिमेंबर द कोड सुष्मिता, इससे आपको जो एडिशनल मिलता है एक तो 5% ऑफ मिलता है एंड यू कैन ऑल्सो गेट एडेड टू माई व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपको एडिशनल बहुत सारी PPTs मिलेंगी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द सेशन फॉर टुडे, आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले मैं जरा गायब हो जाऊं, एक सेकेंड सो हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड MOU विद नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड टू प्रोमोट द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट और नन, व्हाट इज द आंसर? देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया है NMPB के साथ में ताकि वो प्रोडक्शन प्रोमोट कर सके मेडिसिनल प्लांट्स का। ऑप्शंस आपके सामने में है, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केमिकल लेबोरेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है। आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ओके, एंड दिस इज वेयर, दिस इज इन लखनऊ। एनीवे नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, विच कंपनी लॉन्च्ड स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज अलॉन्ग विद इन्वेस्ट इंडिया टू डेवलप सॉल्यूशन इन 5G IoT फॉर स्टार्टअप्स? आपसे क्या पूछा जा रहा है,
कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलके, जिससे वो डेवलप कर सके सॉल्यूशन 5G IoT फॉर स्टार्टअप्स। ऑप्शन देखो, वोडाफोन, BSNL, भारतीय एयरटेल, जियो रिलायंस और बोथ 2 और 3। व्हाट इज द आंसर? ओके, सो नाउ एज यू कैन सी द आंसर विल बी व्हाट? डू शेयर इट वंस, ठीक है, एक एक बार सेशन को जरा शेयर कर दो। मैं शेयर करना बिल्कुल ही भूल गई हूँ, तुम लोग तो कर सकते हो। नाउ सी द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी भारतीय एयरटेल। ये बड़ा मतलब वो है, बहुत पुरानी न्यूज हो गई और बहुत बार हमने पढ़ रखी है, तो अब तक याद हो जानी चाहिए तुम लोग को। भारतीय एयरटेल और इन्वेस्ट इंडिया ने कहा है ये मिलकर के वर्क करेंगे एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं इनके लिए सॉल्यूशन डेवलप किया जा सके 5G IoT का, इनकी हेल्प होगी इससे। ठीक है, कौन कौन कर रहा है? भारतीय एयरटेल एंड इन्वेस्ट इंडिया। Now moving to next, what is the percentage of increase in dearness allowance and dearness relief for central government employees and pensioners? ठीक है, तो अभी क्या percentage increase रही है dearness allowance और dearness relief की central government employees और pensioners की? 3%, 7%, 2%, 4% और 1%? What is the answer? नहीं बताओगे? ओके, आई एम गेटिंग आंसर एज 7% बढ़ा दिया गया। सोचो जरा क्या बोल रहा हो तुम लोग। सी द आंसर विल बी 3%। ठीक है, ये सारी न्यूज कराई जा चुकी है, तुम लोग उसको भी गलत बताते हो। देखो, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया 3% इंक्रीज डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए। अभी जो रिलीफ है ये 28% से बढ़कर के 31% हो जाएगा और ये इफेक्टिव होगा July 1, 2021। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप द डेट इन योर माइंड, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, वॉट आर द पॉइंट्स दैट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू 10th क्वार्टरली बुलेटिन January-March 2021 ऑन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, तो आपको बेसिकली बताना है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के रिगार्डिंग क्या सही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ पीपल एज 15 ईयर्स एंड अबव इन अर्बन एरियाज इंक्रीज टू 9.3% इन January-March फ्रॉम 9.1% इन 2020 ऑफ द सेम। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन करंट वीकली स्टेटस इन अर्बन एरियाज फॉर दोज 15 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव डिक्रीज फ्रॉम 48.1% इन January-March 2021 टू 47% इन January-March फॉर क्वार्टर ऑफ 2021। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च 10th क्वार्टरली बुलेटिन ऑफ PLFS। ओनली 1 और 2, ओनली 2 और 3। आपसे पूछा जा रहा है कि PLFS के रिगार्डिंग इसमें से क्या सही है। आई एम गेटिंग वन आंसर फ्रॉम अमन, ही इज आंसरिंग 4। देन शुभन, क्लास की नोटिफिकेशन ग्रुप पे तो डाल दिया करो। अरे यार, जब तुम्हें पता है कि क्लास जो है ये तुम्हारी 8 और 10 PM पे है, तो आ जाया करो यार, याद रखा करो। मैडम कभी कभी भूल जाती है, तुम ही लोग लिंक को इधर उधर शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा मैडम का मनोबल बढ़ाओ। नाउ मैम, शो योर फेस प्लीज, गजब बेइज्जती है यार। एनीवे, चलो, थैंक यू सो मच। बिसाइड RAPV गेमिंग YT, थैंक यू सो मच। नाउ सी, The answer will be what? The answer will be only 1 और 2. Talking about this PLFS, इसकी बात अगर हम लोग कर लेते हैं, देखो unemployment rate जो age 15 और above का है urban areas में, ये increase हुआ था 9.3% in January-March from 9.1%. ठीक है, तो last year के comparison में अभी बढ़ा है ये। अगला देखो, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है करंट वीकली स्टेटस अर्बन एरियाज में इन 15 साल और उससे ऊपर वाले के लिए, ये डिक्रीज हुआ है 48.1% तक, जो कि पहले 47.5% था। नेशनल स्टेट्स ऑफिस और मोस्पी जो है ये लॉन्च की है 10th क्वार्टरली बुलेटिन को। पिछले में क्या दिया हुआ था कि मिनिस्टर ऑफ लेबर ने किया है, ये मिनिस्टर ऑफ लेबर ने नहीं किया है, नेशनल स्टेट्स ऑफिस और किसने किया है, और ये मोस्पी ने किया है। देखो, विच स्टेट्स हैव पास्ड महाराष्ट्र टू बिकम इंडियाज टॉप मैन्युफैक्चरिंग हब एज पर डेटा रिलीज बाई RBI? कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और नन। क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सा स्टेट महाराष्ट्र को पीछे करके इंडिया का टॉप मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है? ओके, यस, नाउ आई एम गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम, यस, द आंसर ये विल बी गुजरात। ठीक है, एक डेटा है ये RBI। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि डेटा रिलीज किसने किया, डेटा रिलीज किया RBI ने, और इसमें बताया गया कि गुजरात ने महाराष्ट्र को पीछे कर दिया है और इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर के आया है। इसकी जो GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन थी मैन्युफैक्चरिंग में, ये 15.9% तक बढ़ी है। देखो, ध्यान देना, ये हर बार आपसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लिखा हुआ है। सर्विस की बात अगर की जाए तो अब भी महाराष्ट्र ही सबसे आगे है, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे आपका गुजरात बनकर के आया है। ठीक है, अब देखो, इसमें मैन्युफैक्चरिंग में 15.9% तक बढ़ गया है। ओके, यानी 5.11 लाख करोड़ तक आ चुका है ये। अभी एक और भी बात को ध्यान दीजिएगा, कर्नाटका जो है पोस्टेड द
फास्टेस्ट ग्रोथ इन सर्विसेज जीवी एट 15.1% पर एनम, महाराष्ट्र इज स्टिल इंडियाज लीडिंग सर्विस सेक्टर. ओके, तो ये पॉइंट्स को जरा ध्यान रखे रहना. कर्नाटका आपका फास्टेस्ट ग्रोथ जरूर दिखाया है, लेकिन अभी भी उसको लीड करने वाला महाराष्ट्र है. ये हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग तो उसमें आपका गुजरात है. किसी भी इकोनॉमी के तीन इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी, देन सेकेंडरी और देन टर्शरी. प्राइमरी का मतलब होता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी में होता है आपका सर्विस. इंडिया सबसे ज्यादा टर्शरी में आ गए इस समय. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लॉन्च्ड ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 फॉर फेसलेस कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ टैक्स पेयर्स एंड इट इज नोटिफाइड अंडर 135A इनकम टैक्स एक्ट 1961, 70, 66, 77 or none. नाउ सी द क्वेश्चन इज व्हाट, सीबीडीटी ने लॉन्च किया है क्या ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 फेसलेस कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ टैक्स पेयर्स एंड इट इज नोटिफाइड अंडर 135A इनकम टैक्स एक्ट ऑफ व्हाट. The answer will be what? The answer here will be 1961. ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो CBDT ने इशू किए हैं नए रूल्स ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021. फेसलेस कलेक्शन होगा इन्फॉर्मेशन का टैक्स पेयर से. स्कीम जो है नोटिफाई किया गया था इन प्रोविजन 135A इनकम टैक्स एक्ट 1961. हु इज द चीफ ऑफ CBDT? Anyone? CBDT के चीफ अभी फिलहाल में कौन है? HAL secured an order for manufacturing अभ्यास हीट दैट इज हाई स्पीड Expendable Aerial Target System from which organization? Bharat Dynamics, Boeing India, Lockheed Martin, DRDO or none? Gurprasad Mohapatra, याद करो, यही है, सोचो. अजीत कुमार CBIC के थे, अब वो कब का जा चुके हैं. बहुत कंफ्यूजन है तुम लोगों को इस पॉइंट को लेके, बहुत ही आसान से सवाल जबकि पूछा जा रहा है. एनीवे, द क्वेश्चन इज HAL को ऑर्डर मिला है मैन्युफैक्चरिंग अभ्यास किस ऑर्गेनाइजेशन से किया गया है ना. सो द आंसर विल बी व्हाट, द आंसर विल बी DRDO. देखो HAL क्या करेगा, इन्हें मैन्युफैक्चर करेगा, इनका डिजाइनर कौन था वही तो इनका अवार्ड करेगा है ना, ये पूरा सिस्टम का. सो दैट वुड बी DRDO. सोचा करो जरा, HAL हैज ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग द हीट अभ्यास फ्रॉम एस्ट्रोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ DRDO. ठीक है, तो याद रखे रहना इस पॉइंट को. Where did NTPC plan to establish India's first hydrogen microgrid project? Rourkela, Thanjavur, Adilabad, Bidar or Simhadri? NTPC भारत का पहला hydrogen microgrid project कहाँ पर शुरू करेगी? I'm getting one answer from Pallavi. She is answering B. Then Navneet, Simhadri, Siddhi, Aman, रवि, श्रीप्रिया, जितेंद्र, आदित्य, जूही, मयंक, आयुष, अतुल. सी नाउ द आंसर विल बी, एनटीपीसी हैज अवॉर्डेड अ प्रोजेक्ट ऑफ स्टैंड अलोन फ्यूल सेल बेस्ड माइक्रोग्रिड विद हाइड्रोजन प्रोड्यूसर यूजिंग इलेक्ट्रोलाइजर इन सिम्हाद्री, आंध्र प्रदेश. इट इज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी स्टोरेज. ठीक है, ये भारत का पहला हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ा होगा पूरे विश्व का. कहाँ पर? सिम्हाद्री, आंध्र प्रदेश. कौन कर रहा है? NTPC. NTPC has said कि by 2030 they will be installing 62 gigawatt of renewable energy. ये पॉइंट याद रखना. They are also establishing biggest solar park in Gujarat. Okay? साथ में पहला हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया जा रहा है? इन लद्दाख. ठीक है, हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है जो आपका लद्दाख में हो रहा है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैबिनेट अप्रूवल. अभी कैबिनेट अप्रूवल हुई थी कुछ पॉइंट्स की, तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें से क्या सही था. उसमें इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट रुपे डेबिट कार्ड एंड भीम UPI ट्रांजेक्शन विद एन एस्टिमेटेड फाइनेंशियल आउटले ऑफ 1300 करोड़ फॉर वन ईयर. PLI scheme with an outlay of 76,000 crore to boost semiconductor and display manufacturing and also incentive for the electronic sector to ₹2.30 lakh crore. Implementation of PM Kisan Man Dhan Yojana for 2021-24 with an outlay of 93,068 crore to benefit 22 lakh farmers. Or only 1 and 2, only 2 and 3. What are the correct points with regard to cabinet approval? 1 and 2, 5, 1 and 2, 2, 1, 4. See now, incentive scheme to promote RuPay debit cards and Bheem UPI transaction with an estimated financial outlay of 1300 crore for 1 year. This point was correct. Then PLI scheme worth an outlay of 76,000 crore to boost semiconductor and display manufacturing and also approve incentive for electronic sector to 2.30 lakh crore. This, okay. Beside, implementation of Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana PMKSY for 2021-26 with an outlay of 93,068 crore to benefit 22 lakh farmers.
एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP, हर खेत को पानी एंड वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट हैव बीन अप्रूव्ड फॉर कंटिन्यूएशन ड्यूरिंग PMKSY, ओके? सो द आंसर हियर विल बी व्हाट? ये लास्ट वाला आपका गलत था, किसान मानधन की बात नहीं हुई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात हुई है, तो दिस पॉइंट विल बी रॉन्ग. दीज टू आर करेक्ट, द आंसर विल बी ओनली 1 and 2. विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव फ्यूचर रेफ्रिजरेशन इंडिया प्रोजेक्ट नेम्ड इंडी प्लस टू रिसर्च ऑन फ्यूल ट्रांजिशन इन सी फूड सेक्टर? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज और नन? व्हाट इज द आंसर? सी द क्वेश्चन इज, व्हाट द क्वेश्चन इज, कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर रेफ्रिजरेशन इंडिया प्रोजेक्ट जिसका नाम इंडी प्लस है दिया गया है, जिससे वो रिसर्च करेगा फ्यूल ट्रांजिशन इन सी फूड सेक्टर पर? द आंसर विल बी, आंसर विल बी सी. Kochi based Indian Council for Agriculture Research, Central Institute of Fisheries Technology, CIFT, has been awarded a project on Future Refrigeration India named Indi Plus, which will be heading the fuel transition in seafood sector. It is coordinated by Norwegian Institute of Science and Technology. Indi Plus is an umbrella project that covers several schemes supporting Indian refrigeration and air conditioning sector in transition towards green technology. Okay? Yeah. Now, which ministry launched Shrestha Yojana and National Fellowship Management and Grievance Redressal Portal at Dr. Ambedkar International Center, New Delhi? कौन से ministry ने launch किया था Shrestha Yojana को? Ministry of Rural Development, Skill Development, Home Affairs, Social Justice or none? What is the answer? See, the question is what? कौन से ministry ने Shrestha Yojana launch किया है जो कि एक National Fellowship Management और Grievance Redressal Portal है Dr. Ambedkar International Airport पर इसको launch किया गया? Yeah. So the answer will be what? The answer will be Ministry of Social Justice and Empowerment. किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? Yes. The answer will be C. देखो, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है वीरेंद्र कुमार जी, इन्होंने लॉन्च किया श्रेष्ठ योजना और नेशनल फेलोशिप मैनेजमेंट और ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में. ठीक है, कब किया गया है? महापरिनिर्वाण दिवस 2021. श्रेष्ठ योजना जो है ये सपोर्ट करेगा सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट शेड्यूल कास्ट का, ठीक है, बाय क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन इन रिप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स. ठीक है, जो फेलोशिप मैनेजमेंट और ग्रीवांस रिड्रेसल है ये एम करेगा ताकि एनेबल कर सके एक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच. कैन यू पीपल टेल मी व्हेन इज दिस महापरिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेटेड? स्लो अगर मैं कराऊंगी तो फिर यार क्वेश्चंस छूट जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा स्लो नहीं करना चाहती हूँ. द क्वेश्चन इज, व्हेन इज दिस महापरिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेटेड? एनीवन? नहीं बताओगे? ओके, आई एम गेटिंग सम आंसर्स. और जो लोग नहीं बता रहे वो लोग भी कुछ बताया करो. ठीक है, यस, दैट वुड बी 6th of December. अंबेडकर जी की बर्थडे होती है या डेथ डे होती है? ऑल्सो रिमेंबर दिस 6th of December इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज मैत्री दिवस. पहली बार अभी मनाया गया है इस बार. ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. वट आर द पॉइंट्स दैट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रिसेंट लॉन्चेस मेड बाय यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह? रिलीज लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर बाय एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान डैशबोर्ड वॉज लॉन्च टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ GPDP इन वेरियस ग्राम पंचायत. ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ओनली 1 and 3, ऑल 1, 2 and 3? हाँ, द क्वेश्चन इज व्हाट? द क्वेश्चन इज, इनमें से कौन से पॉइंट सही हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिसेंट लॉन्चेस मेड बाय यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी? है ना, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. नाउ सी, हाँ भाई, कई लोग ऑल कर रहे हैं, कई लोग 4 कह रहे हैं. देखो, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थ्रू पंचायती इंस्टीट्यूशन अवार्ड वॉज प्रिपेयर बाय एन एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. तो यह तो आपका सही हो गया. ओके, फिर देखो, द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP डैशबोर्ड वॉज लॉन्च टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ GPDP इन वेरियस ग्राम पंचायत. ये भी सही हुआ. नेक्स्ट, ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल वॉज लॉन्च बाई मिनिस्ट्री पंचायती राज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो ये जितने भी थे वो सारे के सारे सही थे. विच कंपनी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन आर्मी वर्थ 471.41 करोड़ टू सप्लाई IGLA-1M मिसाइल?
डीआरडीओ, बीईएल, एचईएल, बीडीएल और नन। सी द क्वेश्चन इज व्हाट, कौन सी कंपनी ने साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट इंडियन आर्मी के साथ जिसकी कीमत है 471.41 करोड़ टू सप्लाई IGLA-1M मिसाइल। ओके द आंसर विल बी व्हाट हियर, सी BDL ने इंडियन आर्मी के साथ में एक पैक्ट साइन किया है 471.41 करोड़ नई न्यू दिल्ली में ताकि रिफर्बिश करें इन मिसाइल्स को, ठीक है। और इसके लिए जो है इनका फ्रेश लीज हुआ है 10 ईयर्स का। ओके ये पॉइंट को याद रखे रहना। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज डिजिटल पेमेंट उत्सव एट इंडिया हैबिटेट सेंटर इन न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, लेबर एम्प्लॉयमेंट, MSME, मीटी और नन, व्हाट इज द आंसर। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, जल्दी बताओ भाई। ओके आई एम गेटिंग आंसर्स एज मीटी, सभी लोग मीटी बता रहे हैं मुझे। सी हियर, मीटी ने जो है ऑर्गेनाइज किया था डिजिटल पेमेंट उत्सव इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में, दिल्ली एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड वेरियस इनिशिएटिव्स विद अनवीलिंग द डिजिटल लॉन्च ऑफ एन अवेयरनेस कैंपेन कॉल्ड डिजिटल पेमेंट संदेश यात्रा विथ डिजिटल पेमेंट एंथम टाइटल्ड चुटकी बजा के। ओके तो ये पॉइंट्स को जरा सभी लोग ध्यान रखे रहना, इंपॉर्टेंट है। देन द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हैज नेम्ड विक्टर एक्सेलसन फ्रॉम वेयर एज मेल प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2021, वाइल ताइवान्स हु वॉज अवॉर्डेड विद फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया ताई जुयिंग, स्विट्जरलैंड शेन युफुई, स्विट्जरलैंड ताई जुयिंग, ऑस्ट्रेलिया शेन युफुई, डेनमार्क ताई जुयिंग। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की आपसे बात की जा रही है, इन्होंने जो है मेल और फीमेल प्लेयर किसे किसे चुना है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन और चाइना ताइपी की ताई जुयिंग, बेसिकली ताइवान सुन्नी, इन्हें मेल और फीमेल ईयर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। विक्टर एक्सेलसन को गोल्ड मेडल मिला था मेंस कैटेगरी में और ताई जुयिंग को सिल्वर मिला था ओलंपिक वुमेन्स बैडमिंटन में, ठीक है। विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया टू बूस्ट इंटर रीजनल कोऑपरेशन इन गुजरात एंड अंदिजान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, जॉर्जिया, यूक्रेन और नन। कौन सी कंट्री ने एक अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ जिससे वो इंटर रीजनल कोऑपरेशन बढ़ा सके। नाउ द आंसर विल बी व्हाट, सी उज्बेकिस्तान के जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने जो है हमारे वहां पर अभी आकर कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया जिससे इंटर रीजनल कोऑपरेशन बढ़ेगा स्पेशली बिटवीन अंदिजान एंड गुजरात। ओके कंट्रीज ने वेलकम किया था फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ $448 मिलियन बाई एग्जिम बैंक फॉर इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रियोरिटी प्रोजेक्ट्स इन उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा $448 मिलियन एग्जिम बैंक ने जो है उज्बेकिस्तान को दिया है। 2 MOUs भी साइन किए गए थे इंडियन एम्बेसी और उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। ये पॉइंट्स को बस आपको ध्यान रखे रहना है। वॉट आर द पॉइंट्स दैट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैबिनेट अप्रूवल ऑन वुमेन्स मैरिज एज, द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन वॉज इंक्रीज फ्रॉम 18 to 20 years टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल लेवल, हेल्थ एंड सोशल इंडिसीज लाइक MMR, IMR. Recommendation for the age criteria was made by a task force headed by Jaya Jaitley. The amendment will be included to the Prohibition of Child Marriage Act 2006, Special Marriage Act 1954 and Hindu Marriage Act 1955. Only one, all 1, 2 and 3. Yes, now the answer will be what? C. ऑल, ठीक है। हाँ मिनिमम एज जो मैरिज की है ये बढ़ाकर 18 से 21 कर दी गई है जिससे न्यूट्रिशन, हेल्थ, सोशल इंडिसेस जो है बेटर हो सके। इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी रिकमेंड करने के लिए, इट वॉज हेडेड बाई जया जेटली जी। और ये जो अमेंडमेंट किया जाएगा इट इंक्लूड्स इन द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है। और फिर क्या किया गया, फाइनली जो गर्ल्स के लिए मैरिज एज थी उसको बढ़ाकर 18 से 21 कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड फर्स्ट फेज ऑफ काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट इन वेयर विच सिटी विच कनेक्ट्स काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड विच रिवर, वाराणसी गंगा, अहमदाबाद नर्मदा, हरिद्वार गंगा, वाराणसी यमुना, नन, व्हाट इज द आंसर। ओके सो द आंसर हियर विल बी व्हाट, द आंसर विल बी वाराणसी गंगा। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट इन वाराणसी एंड इट विल बी कनेक्टिंग काशी विश्वनाथ टेम्पल टू गंगा रिवर। रिमेंबर 23 बिल्डिंग विच इज स्प्रेड अराउंड द 5 lakh square feet एरिया वॉज ऑल्सो इनॉग्रेटेड एज पार्ट ऑफ फर्स्ट फेज एंड इट इज डन इन द कॉस्ट ऑफ 339 करोड़
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट. ऑल्सो रिमेंबर वन मोर थिंग, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज लेड ऑन 8th of March 2019. ओके, अभी आप सभी को पता है नेक्स्ट ईयर देयर इज एन इलेक्शन इन यूपी, इस वजह से अभी काफी तेजी से सारे प्रोजेक्ट्स को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा. एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स इन यूपी इज 403. ठीक है, चलो. कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव ट्रीटी ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? श्रीलंका, चाइना, साउथ अफ्रीका, पोलैंड और नन. ओके, सो नाउ एज यू ऑल कैन सी कि कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है ट्रीटी ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. ओके, द आंसर विल बी पोलैंड. ठीक है, अभी अभी रिसेंटली इसको अप्रूव किया गया था. नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट वॉज अंडर द ऑनरेबल मेंशंस इन बेस्ट फ्रेंड फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर कैटेगरी इन फोर्थ ग्लोबल एसएमई फाइनेंस अवार्ड 2021. उज्जीवन, एयू, इक्विटास, उत्कर्ष और ईएसएएफ. व्हाट इज द आंसर? यस, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, उस इंडियन स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताइए जो कि बेस्ट बैंक फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में था फोर्थ ग्लोबल एसएमई फाइनेंस अवार्ड्स में. ओके, द आंसर विल बी व्हाट? सी, द फोर्थ ग्लोबल एसएमई फाइनेंस अवार्ड कंस्टिट्यूटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एसएमई फाइनेंस फोरम कॉन्फर्ड ऑनरेबल मेंशन इन द बेस्ट बैंक फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैटेगरी ऑन थ्रिसूर केरल बेस्ड ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. Ministry of Housing Urban Affairs signed an MOU with Who and India to strengthen the waste management sector in India for 5 years under Swachh Bharat Mission Urban 2.0. World Bank, AIIB, UNEP, ADB or UNDP? What is the answer? Batayega. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आंसर विल बी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर है ये और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया ने मिलकर के एक एमओयू साइन किया जिससे स्ट्रेंथन करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर को भारत के अंदर 5 साल के लिए फ्रॉम 2021 to 2026 अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0. महुआ यूएनडीपी मॉडल जो है ये यूटिलाइज करेगा डिजिटल एनेबलर जैसे एआई का, मशीन लर्निंग का, जिससे कि जो भी वेस्ट और स्ट्रीमलाइन एक्टिविटीज है उसको डिजिटाइज किया जा सके. ओके, देन द 11th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्यूवेरिन वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंडोनेशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स या नन. ठीक है, क्या आपसे पूछा जा रहा है जो 11th एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्यूवेरिन की, ये कंडक्ट की गई है इंडिया और कौन से देश के बीच में? The answer will be what? The answer will be Maldives. देखो, 11th edition आई अभी joint military exercise equivalent between India and Maldives, जो कि scheduled है कादबू आइलैंड मालदीव्स में 6-9, ठीक है, December 2021. अभी जो exercise है इसको 2009 से conduct किया जा रहा है. 2019 में exercise को organize किया गया था on military station पुणे के अंदर. Maldives के बारे में बात करें, the capital is Mali, president इब्राहिम मोहम्मद सोली and currency is रुफिया. Which ministry has extended the timeline for implementation of Smart Cities Mission for all 100 participating cities till June 2023? Ministry of Planning, Housing Urban Affairs, Science Technology, Parliamentary Affairs or none? What is the answer? Yes, batch aayega, ghabrao nahi, batch abhi aate ja rahe hain, abhi aur aane wale bhi hain. Filhal mein bhi batches hain, so if you want, you can join that too, theek hai? Usko bhi aap log join kar sakte ho, because eventually to aapko ye help karne wala hai. 6 months ki aapke paas mein validity hoti hai na? You are getting 6 months validity. तो आप कोई भी बैच लेते हो, अलग अलग कोर्सेज में भी आप क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो और उसे देख सकते हो. एंड रिमेंबर द कोड शुड बी सुष्मिता, ये आपका कोड होना चाहिए. जब मैडम दिन भर बैठ के इतनी मेहनत कर रही है तो तुम लोग भी थोड़ी मेहनत तो कर ही सकते हो यार. ओके, क्या, चलो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से मिनिस्ट्री ने टाइमलाइन एक्सटेंड कर दिया है स्मार्ट सिटीज मिशन के इम्प्लीमेंटेशन का? द आंसर विल बी ऑब्वियसली, जो लेकर के आया था वही तो करेगा. महुआ ने इसको एक्सटेंड कर दिया है जितने भी 100 पार्टिसिपेटिंग सिटीज थे सभी के लिए. ओके, कब तक के लिए हो गया? जून 2023 तक के लिए कर दिया गया है.
MoHUA ने इसको लॉन्च किया था 2015 में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया था 27,235 करोड़ स्टेट और यूटीज को उनके स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए। थैंक यू। अब ये नहीं कि यहाँ पे बोल के वहां जाके नहीं तुम लोग मेरा कोड लगा रहे हो कुछ और कर रहे हो, ठीक है। कोड क्या होना चाहिए? तुम्हारा कोड कैसा हो? इस नाम के जैसा हो। देखो, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्च ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशन इन डिजिटल पेमेंट उत्सव। ड्यूरिंग द डिजिटल पेमेंट उत्सव एक्सिस बैंक लॉन्च रूपे ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस सॉल्यूशन इन कोलैबोरेशन विद NPCI। यूनियन बैंक अनाउंस्ड एन एंड्रॉइड बेस्ड सॉफ्ट POS मोबाइल ऐप फॉर द पॉइंट ऑफ सेल्स विच विल फर्दर कॉज डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन। येस बैंक लॉन्चेस येस प्रोस्पैरिटी रिवॉर्ड्स प्लस क्रेडिट कार्ड ऑन पेमेंट प्लेटफॉर्म इन पार्टनरशिप विद NPCI। ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3। देखो, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट सही है विथ लॉन्च ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशंस इन डिजिटल पेमेंट उत्सव, है ना? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो नाउ, ड्यूरिंग द डिजिटल पेमेंट उत्सव इवेंट सिटी यूनियन बैंक लॉन्च्ड रूपे ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस सॉल्यूशन इन कोलैबोरेशन विद NPCI। ठीक है, यहाँ पे क्या था? एक्सिस, दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, ये कौन था? सिटी यूनियन बैंक। देन यूनियन बैंक अनाउंस्ड एन एंड्रॉइड बेस्ड सॉफ्ट POS मोबाइल ऐप फॉर POS, तो ये आपका पॉइंट सही हुआ। येस बैंक लॉन्च्ड येस प्रोस्पैरिटी रिवॉर्ड प्लस क्रेडिट कार्ड ऑन पेमेंट प्लेटफॉर्म इन पार्टनरशिप विद NPCI, तो ये भी सही हुआ। इसमें सही आपके क्या हो गए? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस था बट इट वॉज डन बाय सिटी यूनियन बैंक। ओके, आइडेंटिफाई द इंडियन अमेरिकन हु गॉट नॉमिनेटेड फॉर फर्स्ट सिप्रियन फॉयस अवार्ड इन ऑपरेटर थ्योरी फ्रॉम अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी। CS Seshadri, Nikhil Srivastav, Mahendra Agrawal, SG Dani, Yanan. What is the answer? Now, the question is what? Question में आपसे पूछा जा रहा है कि उस इंडियन अमेरिकन का नाम बताइए जिसे पहला सिप्रियन फॉयस अवार्ड दिया जाएगा ऑपरेटर थ्योरी में अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा। The answer will be what? The answer here will be Nikhil Srivastav. Okay? He has been selected for this along with एडम मर्कस फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड डेनियल स्पेलमैन फ्रॉम US। ये और भी दो रेसिपेंट्स हैं इस अवार्ड के लिए। मिनिस्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने इनॉग्रेट किया कौन सा एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, कहाँ पर? जो कि दिसंबर में हुआ। 5th पंजी गोवा, 7th कोलकाता वेस्ट बंगाल, 6th लखनऊ उत्तर प्रदेश, 7th पंजी गोवा और नन। वट इज द आंसर? चैंपियन, तुम ये भी बोलते हो तुम मेरे पुराने स्टूडेंट हो, फिर भर भर के बेइज्जती भी मारते रहते हो, चैनल ना चेंज कर दूं? क्यों चैनल चेंज कर दूंगी? क्या चाहते हो तुम? यही हो भैया, ले लो आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, खैर, अभी देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कहाँ पर लॉन्च किया गया है इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, है ना? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो आंसर विल बी इट वॉज 7th एडिशन एंड इट वॉज लॉन्च इन पणजी गोवा। रिमेंबर दीज पॉइंट्स, ठीक है। इट इज द जॉइंट प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड विज्ञान भारती, विच इज अ स्वदेशी मूवमेंट ऑफ भारत। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को सभी ध्यान रख के रहो। एनीवे, द थीम ऑफ दिस ईयर वॉज आजादी का अमृत महोत्सव, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ प्रॉस्परस इंडिया। नेक्स्ट, द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट एंड हु रिलीज अ रिपोर्ट वेस्ट वाइज सिटीज बेस्ट प्रैक्टिसेस इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दैट डॉक्यूमेंटेड द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम 28 सिटीज इन 15 स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नीति आयोग और नन। व्हाट इज द आंसर? So now the answer will be what? The answer will be Niti Aayog, okay? Niti Aayog and Center for Science and Environment released a report titled Waste Wise Cities Best Practices in Municipal Solid Waste Management, which is a knowledge comprehensive on India's solid waste. The report documents best practices of solid waste management from 28 cities in 15 states. Yaad rakhe rahega, ye bahut important point hai. Financial Intelligence Unit, India, FIUIND, and who signed MOU for data exchange? Ministry of Finance, Science Technology, Corporate Affairs, Skill Development, Entrepreneurship, or none? What is the answer?
देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि FIU IND ने किसके साथ में मिलकर के MOU साइन किया है डेटा एक्सचेंज के ऊपर। द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी सी, दे हैव रिसेंटली साइंड इट विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली एंटर्ड इन टू पार्टनरशिप विद अशोक लेलैंड टू डेवलप 600 HP इंडिजिनियस कॉम्बैट व्हीकल इंजिन? DRDO, भारत डायनेमिक्स, इसरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और नन? व्हाट इज द आंसर? ओके नाउ सी, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है ना, आपसे पूछा गया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली एक पार्टनरशिप में आई थी अशोक लेलैंड के साथ में और 600 HP कॉम्बैट व्हीकल इंजन बनाने को बोली थी? ओके द आंसर विल बी DRDO। रिसेंटली इन लोगों ने मिलकर के एक पैक्ट साइन किया है जिससे मैन्युफैक्चर करेंगे 600 HP कॉम्बैट व्हीकल इंजन को, ठीक है, और पार्टनरशिप के थ्रू क्या किया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत मिशन को और ज्यादा एम्पावर किया जाएगा। नाउ रिमेंबर किसने किसने मिलकर साइन किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। देन नेम द इंडियन क्रिकेटर हु रिसेंटली गॉट अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिनटेक कंपनी किनारा कैपिटल? रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, सुरेश रैना, ऋषभ पंत और नन? व्हाट इज द आंसर? कौन सी इंडियन क्रिकेटर को किनारा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है, द आंसर विल बी, हाँ भाई द आंसर विल बी रविंद्र जडेजा। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिक्लेयर्ड Kazuveli wetland is 16th bird sanctuary of which state? Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana or none? ये बहुत ही आसान सवाल हो गया। Yes, the answer will be Tamil Nadu. Okay, Nilima, where have you been? बहुत दिनों बाद तुम मुझे दिखी हो आज सेशन में, कहाँ थी? कहाँ से क्या होगा, इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। तो कजुवेली वेटलैंड सिचुएटेड जो कि है विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, इसे डिक्लेयर किया गया 16th बर्ड सेंचुरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। और ये जो सेंचुरी है ये बे ऑफ बंगाल और अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु पे लाई करती है। अभी जैसे आप लोग देख सकते हो इसको किसके अंडर किया गया, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कजुवेली वेटलैंड जो है इसको रेफर किया जाता है दूसरा सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक आफ्टर पुलिकट लेक। व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैबिनेट अप्रूवल? ठीक है, अब देखो द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना टिल मार्च 2024 टू कंप्लीट द 2.95 करोड़ हाउसेज इन रूरल एरियाज। ध्यान से देखना बहुत आसानी है। केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव बाय कैबिनेट विद एन आउटले ऑफ 44,605 करोड़ विच विल बी बेनिफिटिंग यूपी एंड एमपी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वॉज लॉन्च इन 2016 एंड प्रीवियसली नोन एज इंदिरा आवास योजना। ओनली 3 ऑल ए बी एंड सी। बहुत ही ज्यादा आसान से सवाल है ये। अच्छा अगर तुम लोग इसको पहला वर्ड ध्यान से पढ़ोगे तो तुम लोग इसको क्यों कहोगे कि ये सही होगा? अब एक बात सोचो जरा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर हाउसेस क्यों कंप्लीट किए जाएंगे, सोचो जरा, सोचते रहो। देखो यहां पे दिया है ऑल 1, 2 एंड 3, ठीक है, क्या आपसे पूछा था, दैट आर करेक्ट। अब देखो सबसे पहले ये यहां पे आंसर भी तुम ही लोगों का दिया जो तुम लोग बता रहे हो, वाह। सी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना होगा और ये कंटिन्यू होगा मार्च 2024 तक जिससे 2.95 करोड़ होंगे। इस पे मत चले जाना, गजब तुम लोगों का आंसर और ये मैच कर गया, ठीक है। अगला देखो, केन बेतवा इंटरलिंकिंग अभी किया गया है जिसके थ्रू यूपी और एमपी को फायदे होने वाले और इसके लिए 44,605 करोड़, ये बिल्कुल सही था। अगला देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये लॉन्च किया गया था 2016 में जिसको पहले इंदिरा आवास योजना कहते थे। ओके ना हुई, आपसे जो पूछा गया था वो क्या था, इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें क्या होना चाहिए, लास्ट में आपका 2 एंड 3 होना चाहिए और ये ऑल आ गया, ठीक है, बहुत बड़ा कनेक्शन है तुम लोगों का मेरे सेशन से। एनीवे नेक्स्ट देखो, हु को चेयर द 9th इंडिया यूरोपियन यूनियन एनर्जी पैनल अलॉन्ग विथ यूरोपियन कमीशन मिशेल वर्सडॉर्फर? रिवर गांगुली दास, एस जयशंकर, रीनत संधु, तरनजीत सिंह संधु या नन? नाउ द आंसर इज व्हाट? देखो 9th इंडिया यूरोपियन एनर्जी पैनल हुई है अलॉन्ग विथ यूरोपियन कमीशन मिशेल वर्सडॉर्फर, ठीक है,
कौन किसको कोच चेयर किया था? द आंसर विल बी यस, द आंसर ही विल बी रीना संधू. ओके, ध्यान रखिएगा. द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर. पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड फर्टिलाइजर प्लांट एम्स एंड आईसीएमआर सेंटर वर्थ 10,000 करोड़ इन विच स्टेट? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब. हाँ देखो, इसका आंसर क्या होगा? पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था फर्टिलाइजर प्लांट एम्स आईसीएमआर सेंटर, जिसकी कीमत 10,000 करोड़ थी. ये कहाँ हुआ था? तो ये अभी उत्तर प्रदेश में किया गया था. ठीक है, ध्यान रखे रहेगा. ओके, वेयर डिड साइंटिस्ट डिस्कवर द चॉकलेट विंग्ड बटरफ्लाई कॉल्ड ज़ोग्राफेटस ज़ोंगेंसिस? जम्मू कश्मीर, केरल, सिक्किम, तमिलनाडु और नन. व्हाट इज द आंसर? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? देखो, जैसे आप लोग देख सकते हो, ज़ोग्राफिटस ज़ोंगोनसिस एक नई बटरफ्लाई स्पीसीज है जो कि इंडिजिनियस लपचास है सिक्किम की, और ये नामप्रिक दांग एरिया, नूम पनांग वेल विलेज, अपर ज़ोंगु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में मिला है. ठीक है, बहुत भयानक भयानक वर्ड्स एक साथ आ गए हैं. देखो, तो ये आपके जो आंसर होगा दैट वुड बी सिक्किम. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हैंड ओवर किया है लगभग 5 डेवलप्ड प्रोडक्ट किसके और कितने लाइसेंसिंग अग्रीमेंट ताकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो सके आर्म्ड फोर्सेस को? DRDO 3, HAL 4, DRDO 6, BEL 4 और नन. व्हाट इज द आंसर? हाँ, अब देखो इसका आंसर क्या होगा. द आंसर विल बी DRDO एंड 6. ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने लगभग 5 DRDO डेवलप प्रोडक्ट जो है आर्म्ड फोर्सेस को दिए हैं और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज को. एक इवेंट हुआ था DRDO भवन वहां पर. ठीक है, अब जो प्रोडक्ट्स हैंड ओवर किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ये आपके एंटी ड्रोन सिस्टम है, मॉड्यूलर ब्रिज है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, शेफ वेरियंट्स हैं और लाइट वेट फायर फाइटिंग सूट हैं. ठीक है, इसके अलावा 6 लाइसेंसिंग अग्रीमेंट भी हैं जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू दिया गया था 7 पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को. व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट? ड्यूरिंग द समिट बोथ कंट्रीज मिनिस्ट्रीज होल्ड देयर फर्स्ट 2+2 डिफेंस मिनिस्ट्री डायलॉग. बोथ नेशंस रिन्यूड द मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन अग्रीमेंट फॉर अनदर 10 ईयर टिल 2031 एंड ऑल्सो साइन डील फॉर मैन्युफैक्चरिंग AK-203 असॉल्ट राइफल. इंडिया रशिया साइन 28 MOUs एंड सेट अ टारगेट ऑफ बायलेटरल ट्रेड वर्थ $30 बिलियन बाई 2025. ऑप्शन में देखो ऑल या ओनली 2 एंड 3. वॉट इज करेक्ट? इसको बहुत आसानी से बताया जा सकता है क्योंकि इसके जो लास्ट के ऑप्शन है वो आपके सामने इस तरीके से रखे गए हैं जो आराम से बता सकते हो अब तुम लोग. द आंसर विल बी ऑल, क्योंकि ये तो सही है ही, ये तो करेक्ट पॉइंट है ही. ठीक है, फिर अगर आप लोग बाई चांस नंबर ऑफ MOUs में कन्फ्यूज हो तो आपके सामने ऑप्शन था ओनली 2 एंड 3. जब हमें पता है ऑल मतलब 1 सही है ही, तो ऑल वाला ही ऑप्शन हमें चूज करना होगा. ठीक है, तो अभी जो मीटिंग हुई है इसमें पहला एक तो ये 2+2 डिफेंस डायलॉग रखा गया है दोनों कंट्रीज के बीच में. फिर इन लोगों ने आपस में 10 साल के लिए अग्रीमेंट को टाई अप किया है मिलिट्री टेक्निकल में 2031 तक. इसके साथ में मैन्युफैक्चर करने को कहा है AK-203 असॉल्ट राइफल. 28 MOU साइन किए गए और टारगेट रखा गया बायलेटरल ट्रेड का $30 बिलियन 2025 तक. व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज्ड इन December 2021? तमिलनाडु एंड पंजाब वर टॉप इन लार्ज एंड स्मॉल स्टेट कैटेगरी रिस्पेक्टिवली. रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर बाई इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिलीज बाई इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM. द रिपोर्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ लिटरेसी अमंग चिल्ड्रेन बिलो 10 ईयर्स एंड ऑल्सो एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन इन इंडियन स्टेट एंड यूटी. ऑप्शन देखो ओनली 1 एंड 2, ओनली 2 एंड 3. वॉट इज द आंसर? ओके, नाउ द आंसर विल बी बोथ. वेस्ट बंगाल एंड केरल वर टॉप
वर टॉप्ड इन लार्ज एंड स्मॉल स्टेट कैटेगरीज. इंडेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ लिटरेसी अमंग चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर एंड ऑल्सो एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन. तो ये दोनों आपके क्या थे, ये दोनों सही थे. ठीक है, यहाँ पे कौन होगा, ये वेस्ट बंगाल होगा, ध्यान रखे रहना. वॉट आर द पॉइंट दैट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू 6th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2021. इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट. थीम ऑफ IWIS 2021 वॉज रिवर रिसोर्सेज एलोकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एट रीजनल लेवल. ड्यूरिंग दिस इवेंट 5 MOUs वर साइंड विच इंक्लूड 2 MOU विद इनोवेशन सेंटर डेनमार्क एंड UPS हंगेरी टू कंजर्व गंगा रिवर बेसिन. बोथ 1 इन 2, ऑल 1, 2 इन 3. नाउ द आंसर विल बी व्हाट. आपसे क्या पूछा था कि अभी जो आपका इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट हुआ इसमें क्या सही था, तो बेसिकली इसमें सारे सही थे. इसको ऑर्गेनाइज करने वाली NMCG और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडीज हाइब्रिड मोड में मिलकर की थी. थीम क्या था, रिवर रिसोर्सेज एलोकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. और इस इवेंट में 5 MOU साइन किए गए हैं जिसमें 2 MOU इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के साथ हुआ है और UPS हंगेरी के साथ में, ताकि गंगा रिवर बेसिन पे वर्क किया जा सके. सो आंसर ही विल बी व्हाट, दैट ऑल वर करेक्ट. शिखर माउंटेनियरिंग टीम स्केल्ड 2 अननेम्ड माउंटेन्स इन लद्दाख ऑफ ओवर 6,000 मीटर हाइट एंड नेम्ड वन ऑफ देम एज नोरमू वांगदू पीक. शिखर इज अ माउंटेनियरिंग टीम ऑफ विच आर्म फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर सिक्योरिटी नेशनल डिजास्टर सेंट्रल रिजर्व या नन. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि शिखर एक माउंटेनियरिंग टीम है जो 2 अननेम्ड माउंटेन पर चढ़ी थी लद्दाख में लगभग 6,000 मीटर की हाइट पर, और इसमें से एक का नाम नोरमू वांगदू पीक करी है. ठीक है, और शिखर ये जो है माउंटेनियरिंग टीम कौन सी आर्म्ड फोर्स की है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो द आंसर विल बी व्हाट, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स. इन्होंने 2 अननेम्ड 6,000 मीटर हाई माउंटेन्स चढ़े हैं ईस्टर्न लद्दाख, और एक का नाम नोरमू वांगदू पीक रखा है. इसे डेडिकेट किया है ITBP के माउंटेनियर और हेड कांस्टेबल नोरमू वांगदू फ्रॉम लद्दाख. विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्वच्छता स्टार्टअप एंड स्वच्छता टेक्नोलॉजी चैलेंज फॉर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स इन वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और नन. व्हाट इज द आंसर. नहीं बताओगे, हाँ भाई देखो अभी आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्वच्छता स्टार्टअप और स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स इन वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में, है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. द आंसर विल बी महुआ. ओके, तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 महुआ ने जो है लॉन्च किया है स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंजेस फॉर एंटरप्रेन्योरियल स्किल इन वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर दैट कैन बी फर्दर यूटिलाइज बाई अर्बन लोकल बॉडीज इन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. MOHUA will also launch Swachhata Startup Challenge in collaboration with France agency Francis de Development. It will be an extension to Swachh Technology Challenge in January 2022. With which organization has Niti Aayog partnered for its WEP Next initiative? Compassion International, Dress for Success Worldwide, American Red Cross, Bill and Melinda Gates Foundation? Yes, Cisco. What is the answer? अच्छा अब देखो इसका आंसर क्या होगा. आपसे क्या पूछा है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में नीति आयोग ने पार्टनरशिप किया है WEP नेक्स्ट इनिशिएटिव के लिए. तो ये तो क्वेश्चन कई बार हुआ है, इसी से कहती हूँ 10 बजे वाला क्लास किया करो. 10 PM वी आर हैविंग करंट अफेयर्स सेशन एंड इन दिस करंट अफेयर्स वी आर डूइंग द करंट न्यूज ऑल्सो वी आर रिवाइजिंग द रिलेटेड न्यूज. ठीक है, 6-6, 7-7 महीने पुरानी न्यूज तुम लोग की रिविजन को मिल जाती है. दैट्स वाई आई से 10 बजे किया करो क्लास को, खाते खाते ही देख लिया करो लेकिन देखा करो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. एटलीस्ट जब तक आपके एग्जाम हो रहा है SBI IBPS, 1 घंटा तो तुम लोग दे ही सकते हो यार. ठीक है, एक तो तुम लोगों को ऐसा कोई सुबह नहीं जगना है और बहुत लेट नहीं होगा सोने में, इजिली बैठ के तुम लोग खाते वाते देख सकते हो, इसे न्यूज भी देख रहे हो और रिविजन भी करते जा रहे हो पिछले महीने की, इससे अच्छा क्या मिल सकता है. एनीवे देखो, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था किसके साथ में किया गया, तो ये नीति आयोग और सिस्को मिलकर के लॉन्च किए थे अगला फेज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जिसका टाइटल है WEP नेक्स्ट. WEP जो है इसको इनिशियली लॉन्च किया गया था नीति आयोग द्वारा 2017 में. ठीक है,
बस इतने पॉइंट्स को आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगला देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन रिलीज कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ विच कंपनी? महिंद्रा ग्रुप, अडानी ग्रुप, लार्सन टोब्रो, टाटा ग्रुप और नन? द क्वेश्चन इज व्हाट? द क्वेश्चन इज जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन है, इन्होंने रिलीज किया है कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प, जिससे कि ये 75th एनिवर्सरी कौन सी कंपनी का मार्क कर रही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैज लॉन्च्ड इट टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ महिंद्रा ग्रुप एंड ऑल्सो अर्ज द ग्रुप टू कोलैबोरेट विद पोस्टल डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ सोशल सर्विस इन रूरल एरियाज। विच ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया साइंड अ ट्राइपार्टाइट एमओयू विद सीटीआईएल एंड सीटीईआई टू प्रोवाइड रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक? व्हाट इज द आंसर? नहीं बताओगे? सी द क्वेश्चन इज व्हाट? हाँ, जो परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू डब्ल्यूटीओ है, ठीक है, सेंटर फॉर ट्रेड इन्वेस्टमेंट लॉ और सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ने एक ट्राइपार्टाइट एमओयू किया है, जिसमें ये लोग कोलैबोरेट करेंगे टुवर्ड्स रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ एंड पॉलिसी। इट वॉज साइंड बाई इंडियाज एम्बेसडर एंड पीएमआई टू डब्ल्यूटीओ ब्रजेंद्र नवनीत। ओके, देन कोनिजेती रोसाइया, फॉर्मर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, पास्ट अवे। प्रीवियसली ही सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश? अरे मैं ऐसे मजाक करती हूँ, घबराओ मत यार, कुछ कही नहीं हूँ, कुछ मार वार नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग, नहीं बताओगे? ओके, नाउ द आंसर विल बी व्हाट? यस, कोनिजेती रोसाइया, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88 इन हैदराबाद, तेलंगाना। ही सर्व्ड एज सीएम ऑफ अनडिवाइडेड एपी फ्रॉम 2009 टू 2010 एंड एज गवर्नर ऑफ तमिलनाडु फ्रॉम 2011 टू 16। ओके, नाउ बाकी के जितने आपके क्वेश्चन हैं वो आप लोग देख लेना। यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप GACAY सुष्मिता मैम, दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी PDFs मिलेंगी। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन करेंट अफेयर सेशन और अपनी GS स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन। यू हैव टू यूज दिस कोड सुष्मिता एंड यू विल बी गेटिंग एन एडिशनल 5% ऑफ एंड आई विल बी एडिंग यू टू माई व्हाट्सएप ग्रुप। बिसाइड जो आपको कंटेंट यहाँ मिल रहा है, इससे भी अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है, बिकॉज उसमें काफ़ी सारी क्लासेस कॉन्टिन्यूस बेसिस पर होती हैं। अभी हमारी अगली क्लास 10 बजे से होगी करेंट अफेयर्स की। अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास है, इसको आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे न्यूज़ प्लस उसी से रिलेटेड न्यूज़ पहले की भी पढ़ते हैं, जिससे हमारी जो आप लोग 6 मंथ करंट अफेयर्स रिवीजन करना चाहते हो ना, वो भी उस सेशन में होता चलता है। तो 10 बजे होगी हमारी करंट अफेयर्स की क्लास यहीं ऑलिव बोर्ड पर। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ गिव इट अ लाइक। अभी आपके कुछ और भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को मिल जाएगा, PDF में आपको प्रोवाइड करूंगी, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स 25 क्वेश्चंस और होंगे अभी इस सेशन के, जो आप लोग देख लेना, बिकॉज अभी नेक्स्ट क्लास फिर से होगी, तो तब तक थोड़ा तैयार हो जाओ तुम लोग भी, ओके, और मेरे भी गले को आराम मिले, ओके। सो विल मीट यू अगेन, टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, एंड इफ यू आर विलिंग टू बाय द बैचेस यू विल हैव टू यूज दिस कोड, ओके, इस कोड का यूज करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव।